गुड मॉर्निंग आलाख्यो। आज हम त्रिगुणमित्री का प्रश्नावली 3 और 4 को देखेंगे, है ना। प्रश्नावली 3, 4, 10 पे की बेस पे है। अगर आप लोग को 0 से लेकर 180 तक का वैल्यू पता है ना, या 90 तक का भी पता है, साइन 90 कॉस 9, मतलब हर एक का है ना, जो 6 होता है साइन कॉस 10, कॉट सेक, कोसेक और कॉट, अगर 6 का 90 या 180 तक का वैल्यू अगर पता है तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आप लोग प्रश्नावली 3 और 4 को बना सकते हैं ना। या आप लोग का और एक चीज़ पड़ी हुई है कि त्रिकोणमिति में अगर 2 वैल्यू दिया है, जैसे कि आप लोग को अगर साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/5, है ना, तो हम लोग पता है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, मतलब कि लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5 दिया है, तो 2 वैल्यू दिया है तो आप लोग तीसरा आसानी से निकाल सकते हो। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। जब तीसरा निकालोगे तो शेष 5 निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, आधार बट्टे कर्ण, है ना। तो अगर आधार मिल गया है ना, 4 मिलेगा, आधार मिला तो आप लोग कॉट निकाल सकते हो, टेन निकाल सकते हो, सेक कोसेक कुछ भी निकाल सकते हो। तो इस टाइप का आप लोग का प्रश्नावली मिलेगा 3 में, है ना, जबकि 4 में अगर टेन 60, है ना, साइन 60, कॉस 30, इस प्रकार का वैल्यू मिलेगा जो आपको पुटअप करके रखना है। प्रश्नावली 3-4 को खुद से बनाना है ना, ये 10वीं का क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो पूछ सकते हो। तो आपका प्रश्नावली 1 हो चुका था, 2 कल परसों देखे थे, जो भी डाउट होगा पूछना। प्रश्नावली 3 और 4 को खुद से बनाना है और चारों प्रश्नावली का फेयर कल तक आप लोग को मेरे पास भेजना है। धन्यवाद।